क्यों भगत को शिवलिंग की दक्षिण की ओर मुख करके बैठना चाहिए। दोस्तों, आपने शिव की कथा सुनी होगी तो आपने भी सुना होगा कि भगवान शिव अपनी बारात में पीछे बैठे थे। एक बार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान शिव से कहिए कि वो आगे बैठें, तो भगवान शिव ने कहा, मेरा कोई पिता नहीं है, भाई नहीं है, इसलिए सबसे पहले बारात मेरा नंदी देखेगा और बाद में मैं देखूँगा। इसलिए नंदी पर उल्टे बैठ कर शादी करने जा रहे थे महादेव। आप सभी जानते हैं कि चार दिशाएं होती हैं, उनमें सबसे अच्छी दिशा पूर्व पश्चिम को ही माना गया है, पर शंकर उल्टे हैं। जब भी आपने शिवलिंग देखा होगा तो शिवलिंग की जलाधारी का मुख उत्तर की ओर रहता है, और जो भी शिव भक्त शिवलिंग की पूजा करने बैठता है वो शिवलिंग के दक्षिण दिशा में ही बैठता है। दक्षिण में भक्त बैठता है, उत्तर में जलाधारी होती है। कितनी विचित्र बात है। आपने भी देखा होगा कि जब पूजन करने बैठते हो तो पंडित जी यही कहते हैं कि पूरब या पश्चिम दिशा की ओर बैठो, लेकिन शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर की पूजा करने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला, अगर वो पूरब में बैठ कर जल चढ़ा रहा हो या पश्चिम में बैठ कर जल चढ़ा रहा हो, उत्तर की ओर बैठ कर जल चढ़ा रहा हो, तो उसे उस पूजा का फल मात्र 25% ही मिलेगा। लेकिन अगर शिव को दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके जल चढ़ा रहे हो तो उस व्यक्ति को उस पूजा का 1000% फल मिलता है। उसका पुण्य कम ही कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों, बोलो हर हर महादेव।